रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। रॉन्ग नंबर फोन से तीन बच्चे की मां से हुआ प्यार, प्रेमी पहुंचा महिला के गांव। सुनोगढ़ थाना क्षेत्र के सहूपाड़ा गांव में रॉन्ग नंबर से प्यार में मधुबनी का एक युवक तीन बच्चे की मां प्रेमिका के गांव पहुंचा। युवक प्रेमी को परिजनों और ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद ग्रामीणों ने सनोखा थाने को खबर दी। आपको बता दें, सूचना के बाद ही सनोखा थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और जुआ को अपने कब्जे में ले लिया। मालूम हो कि बीते दो माह पहले सनोखा थाना क्षेत्र में नारायणवाटी गांव में विवाहिता महिला से मोबाइल कॉल से प्रेम हुआ था, जिसमें बांका जिले के प्रेमी रात में प्रेमिका के घर पहुंचा। प्रेमिका के पति, परिजनों और ग्रामीणों युवक को पकड़कर पीटकर जान से मार दी। सुनोखा थाना के पुलिस लड़के को परिजन को सूचना दी। परिजन के आने पर कानूनी प्रक्रिया के बाद युवक को सौंप दिया गया। प्रेमी के सहूपाड़ा आने के वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमी युवक साफ साफ कह रहा है कि एक साल पहले से हम दोनों प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। महिला ने कहा कि एक साल पहले रॉन्ग नंबर से फोन आया था, हम दोनों में बातचीत होने लगी और प्यार हो गया, शादी करना चाहते हैं। इस बात की जानकारी जब गांव वालों को पता चली तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। प्रेमी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष रणतेज भारती ने बताया कि नारायणवाटी गांव की घटना की पुनरावृत्ति न हो, सूचना मिलते ही सनोखा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने कब्जे में ले लिया है। परिजनों को सूचना देकर युवक को सौंप दिया गया है। रूपेश राज के साथ आशीष कुमार की खास रिपोर्ट, भागलपुर, बिहार, जगन न्यूज 24। जोरस बोल। गीता देवी, तोरा की दिक्कत होले जे है लड़का शादी करी रहलो छे? अच्छा, तो जाकर तोरा पता छौ कि जाकर कहाँ घर छे, द्वार छे, एड्रेस पता छौ तोरा? कहाँ घर छे एकरो, लड़का घर कहाँ छे? खुटानो, घर खुटानो, मधुबनी जिला। तो ये देखिए, ये जो लड़की आप देख रहे हैं, ये लड़की जो है तीन माँ, तीन बच्चा का माँ है। और ये जो अभी आपको मैं वीडियो जो दिखा रहे थे, उस वीडियो में जो एक लड़का स्टेटमेंट दिया है, उनका नाम क्या था? जितेंद्र कुमार साव है। और ये एसटीएससी बिरादरी का, हरिजन बिरादरी का लड़की है। और ये आपको हम बता दें, ये जो लड़की है इनको तीन बच्चा है। क्या गो बच्चा उस तरह, क्या गो बेटा, क्या गो बेटी? अच्छा, जब वो लड़का नहीं रखे ले तो बच्चा देखी नहीं रह सके। आदमी का जरा एक ठो बेटा रही है, अगर पति मरी जाए तो मैं नौ बेटा का अपनों मुँह देखी के रही जाए तो तोरा की तकलीफ होलो? अच्छा, ये लड़का कुमारो है, तोरा पता छो? है तो ये लड़का ना तीनों बच्चा के तोरा अपना चाहे छो, रखे चाहे छो? आ कल दिन भागी को दिया गलो तब? अच्छा, शादी 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 कन करे चाहे जाए, कोर्टो से करे चाहे जाए, कि ग्रामीण रो समाज से मिली करे चाहे जाए? तोरा लगे कि आजकल रो ऐसा मुसीबत है कि जो कि समाज ना करा दे और बाथरूम करे बहनो लड़का भागी जाए, पता छो तोरा? तो मामला कोर्ट में जाना चाहिए, लगे जाए कोर्ट में मामला जाकर कोर्ट से शादी कर तो बेहतर हो। तो ये देखिए लड़की का स्टेटमेंट है, जैसे ग्रामीण शादी कराएगा हम करेंगे, लेकिन मेरा सुझाव यह रहेगा कि इस तरह का लड़की को जो है ना कम से कम कोर्ट से शादी करना चाहिए, इसलिए ताकि आपको जो स्क्रीन पे एक वीडियो हम दिखा रहे थे वो लड़का कहीं भाग ना जाए। क्योंकि आए दिन मामला ये भी होता है कि लड़की से शादी कर लेता है और जो संबंध मनाना चाहिए संबंध मना करके कुछ बाथरूम करने के बहाने या आने के बहाने घर से लड़का फिरार हो जाता है, ऐसा मामला आए दिन आपको देखने के लिए मिलता होगा। तो इस तरह का मामला है। और ये साहूपाड़ा गाँव जो कि सिलन खजुरिया पंचायत पड़ता है, जो कि सनोला प्रखंड के अंतर्गत भागलपुर जिला बिहार का है, और इसका पिता का नाम रमेश हरिजन है। तो आप देख सकते हैं इसका नाम गीता कुमारी है और इसका पिता का नाम रमेश हरिजन है। क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार साह। कहाँ घर है? सिक्किया है। हैं? सिक्किया है। पापा का नाम क्या है? विनोद साह। विनेश साह। कौन सा थाना में, कौन सा थाना के अंतर्गत आपका घर पड़ता है? खुटाना। खुटाना थाना, खुटाना थाना। किससे आप शादी कर रहे हैं? गीता से। गीता से। आपको पता है ये बच्चे का माँ है? हाँ, है? हाँ। आप इसको रखना चाहते हैं? हाँ। स्वतंत्र रूप से? हाँ। कोई आपको इसका माँ बाप प्रेशर दिया? नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। आप इसको रखिएगा गारंटी के साथ? हाँ। भगैया को दिएगा? नहीं, नहीं, नहीं। कौन सा जिला पड़ता है? मधुबनी। मधुबनी जिला बिहार में ही है। तो ये देखिए, क्या नाम बताए थे आप अपना? जितेंद्र कुमार इसका नाम है, जो कि जाति से आता है। और ये जो है गीता कुमारी, जो कि तीन बच्चे का माँ है, उनसे ये शादी करना चाहता है। और ये अपने स्वतंत्र रूप से, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो रास्ते कोई प्रेशर दे छो ब्याह व्याह करे वास्ते? है, ये अपना मनोज करे चाहे। अच्छा, आपको यहाँ के विषय में कैसे पता चला?
यहाँ कैसे इस लड़की से कैसे मुलाकात हुआ? रॉन्ग नंबर से, मतलब अनजान नंबर से बात हुआ, और अनजान नंबर से बात हुआ और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि शादी तक मामला आ गया। आपको पता है ये शादीशुदा ऑलरेडी, इसका पति भी है, है? जिंदा है, तीन बच्चा भी आपको पता है, आपको सब लड़की बताया है, सब चीज़ बता दिया है। आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं? आधार कार्ड नहीं लाया है, बैग उगले के नहीं। अच्छा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? बात करते करते, मतलब फोन से, फोन पे बात करते करते आप यहाँ पहुँचे। अच्छा ठीक है, आप शादीशुदा हैं? नहीं। कैसे जानेगा कि आप शादीशुदा नहीं है? कैसे जानेगा? आप अपने माँ बाप का नंबर दे सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं दे सकते हैं? ऐसे ही लिए क्या बोल रहे हैं? उसको कौन रखेगा? है? उसको हम रखेंगे, माता पिता रखेगा। आप रखिएगा ना? हो हाँ, आप रखिएगा, ठीक है। तो आखिर फिर भी जो हिंदू रीति रिवाज जो शादी होता है माँ बाप के अकॉर्डिंग होता है, आपको भी पता होगा, शादी जो है ना लड़का या लड़की ही करता है, रहता भी दोनों साथे में, लेकिन माँ बाप लड़का लड़की देखने क्यों जाता है? जब ये जो क्वेश्चन आप बोलें कि माँ बाप रखेगा कि हम रखेंगे, तो आखिर माँ बाप क्यों जाता है देखने के लिए लड़का लड़की को? इसका जवाब दीजिए। इसका इसलिए जाता है ताकि वो उसका अपना पसंद का मतलब दामाद या पुतोह खोजे। हाँ, तो आपका माँ बाप को एक उम्मीद नहीं था कि हमको भी अपना मतलब पसंद का पुतोह मिले? सबको उम्मीद रहता है। तो फिर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? सबका अपना अपना एक मेल होता है। हाँ, आप प्यार में अंधे हो गए, ये इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर है। तो आपने सुना ही होगा कि प्यार में अंधा होता है, और आपको प्रूफ भी मिल गया, तीन बच्चे का माँ है, और ये जो है ये लड़का जिसका नाम आप सुन ही लिए होंगे, ये शादी करना चाहता है, जितेंद्र, इसका नाम जितेंद्र साहू, जो कि कौन सा जिला है आपका? मधुबनी जिला का ये है, थाना कौन सा है? खुटाना थाना का है। तो आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, की नाम छो तोरो? गीता देवी। तोरा की दिक्कत होले जे है लड़का शादी करी रहलो छे?